हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी आ नेक्स्ट पोएम द स्नेयर। द स्नेयर, स्नेयर मीन्स ट्रैप, जाल, नेट। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय जेम्स स्टीफन्स। जेम्स स्टीफन्स वाज एन इंग्लिश पोएट। ही वाज brought up, he grew up in the slum area of Scotland. In the beginning of his life, he has done the work as a stenographer. Scotland में कि गंदी बस्ती में पले बड़े हुए, कुछ पढ़े और उसके बाद में stenographer का काम करने लगे। आप जानते हो stenographer? स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफी इज ए आर्ट ऑफ राइटिंग। ये जनरली क्या है कि कोर्ट रूम में एक स्टेनोग्राफी की मशीन होती है जिसमें जो बोला जा जो भी जो बोल रहा है उसे बहुत ही तेज़ स्पीड में और एक सांकेतिक भाषा में लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद ही was appointed as the assistant curator in Dublin. Dublin में इन्हें assistant curator के रूप में appoint कर दिया गया। Curator होता है caretaker of the things in the museum. Museum के अंदर जितनी सारी चीज़ें होती हैं उनकी caretaker जो होता है उसे कहते हैं curator. और बताएं तो ही हैज़ अ डीप इंटरेस्ट इन द गैलिक आर्ट, लिटरेचर, कल्चर। गैलिक मीन्स रिलेटेड टू स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, उससे उनमें इनका गहरा इंटरेस्ट था। जो ये पोइम लिखी द स्नेयर, द पोइट डेपिक्स द इमेज ऑफ ए वाइल्ड एनिमल रैबिट। एक रैबिट की पिक्चर को डेपिक्ट किया गया है। द रैबिट वॉज ट्रैप्ड इन ए स्नेयर, जो एक जाल में फंसा हुआ है। ही इज कॉलिंग विद पेन, और जो पीड़ा के साथ में करहा रहा है। पोएट इज वेरी फॉन्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ही एट वंस रिकॉग्नाइजेज द वॉइस ऑफ द रैबिट। वो जंगली जानवरों से इतना गहरा स्नेह रखते हैं, इतना अच्छा लगाव रखते हैं कि वो हर एक जानवर की आवाज़, जानवर की आवाज़ से ही पहचान लेते हैं कि ये किस जानवर की आवाज़ है और किस कंडीशन में है। ऐसी आवाज़ जानवर कब निकालता है। तो इसकी मतलब ही इज़ वेरी सेंसिटिव एंड काइंडफुल एंड हैविंग सिंपैथेटिक एटीट्यूड टूवर्ड द वाइल्ड एनिमल्स। उनका वाइल्ड एनिमल के प्रति बहुत ही गहरा लगाव है और सिंपैथेटिक एटीट्यूड है, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है। ही वॉन्ट्स टू सेंड अ मैसेज टू ह्यूमनिटी। वो इंसानियत को, मानवता को एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि वी शुड लव वाइल्ड एनिमल्स। हमें वाइल्ड एनिमल से स्नेह प्रेम रखना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिक नीड ऑफ दिस प्लेनेट। कि हमारे प्लेनेट, हमारी अर्थ के मेटाबॉलिक नीड के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। देखो इस पोइम, इफ वी थ्रो ए ग्लैंस ओवर द ब्यूटी ऑफ द पोइम, इट इज़ रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। टेट्रा मीटर में लिखी गई है, एम्बिक टेट्रा मीटर। जैसे हमने द सेवन एजेज ऑफ मैन, वो पेंटा मीटर में लिखी गई थी, पंचपदीय छंद में। ये चतुष्पदीय छंद में लिखी गई है। द लास्ट लाइन ऑफ ईच स्टेंजा, हर स्टेंजा की लास्ट लाइन को is repeated as the first line of the next stanza. अगले स्टेंजा की फर्स्ट लाइन के रूप में रिपीट किया गया है।
ही वॉन्ट्स टू सेंड द मैसेज रिपीटेडली, वो अपने संदेश को बार बार दोहराता है. इट शोज द काइंडनेस एंड सिंपैथी फॉर द वाइल्ड एनिमल्स. लेट अस स्टडी द पोएम. आई हेयर ए सडन क्राई ऑफ पेन. मैं अचानक एक पीड़ा, सडन मीन्स एडवांस, पेन पीड़ा. द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट वन डे ही वॉज वॉकिंग, ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट एरिया. एक दिन वो जंगली क्षेत्र में घूम रहे थे. सडनली ही हेयर्स द क्राइंग साउंड बिकॉज ऑफ पेन. तो अचानक वो पीड़ा के कारण करहाने की आवाज़ को सुनते हैं. देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर. हाउएवर ही हैज नॉट सीन विच एनिमल इज क्राइंग ऑफ पेन. हालांकि उन्होंने देखा नहीं है कि कौन सा जानवर पीड़ा के कारण चिल्ला रहा है. बट ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. वो बहुत ही लगाव रखते हैं वाइल्ड एनिमल से. ही एडवांस रिकॉग्नाइजेज, वो तुरंत ही पहचान जाते हैं, द वॉइस इज ऑफ ए रैबिट, कि वो आवाज एक रैबिट की है. ही इज क्राइंग ऑफ पेन बिकॉज ही हैज ट्रैप्ड इन ए नेट. वो इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि वो जाल में फंस गया है. कवि ने तुरंत पहचान लिया है कि ये रैबिट की आवाज़ है, खरगोश की आवाज़ है. और वो ये भी जानते हैं कि वैन द रैबिट क्रिएट्स सच काइंड ऑफ साउंड, सच काइंड ऑफ वॉइस, कि इस तरह की आवाज़ रैबिट कब निकालता है. वैन ही इज पेन एंड ही इज ट्रैप्ड इन ए स्नेयर. और वो पीड़ा में है और वो किसी जाल में फंसा हुआ है. Now I hear the cry again. The poet tries to find out the location where the rabbit is crying. वो उस location को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. He is wandering from here to there in the forest. वो जंगल में इधर से उधर घूम रहे हैं. Because he wants to free the rabbit out of the snare, क्योंकि वो उस जाल से उसको मुक्त करना चाहते हैं. वो घूम रहे हैं. आई हेयर द क्राई अगेन. फिर वो दोबारा से उस रैबिट के चीखने चिल्लाने की आवाज़ को सुनते हैं. बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर. द पोइट इज ट्राइंग इज बेस्ट टू फाइंड आउट द लोकेशन. कभी उस लोकेशन को ढूंढने की भरकस प्रयास कर रहे हैं. बट ही फेल टू फाइंड आउट द लोकेशन. लेकिन वो उस स्थान को ढूंढने में असफल हुए हैं. एंड ही शोज हिज पैथेटिक एटीट्यूड. वे अपने करुणामयी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं. ही डजंट नो फ्रॉम वेयर द क्राइंग वॉइस ऑफ द रैबिट इज कमिंग, कि कहाँ से उस रैबिट के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है. दिस स्टेंजा शोज द सेंसिटिविटी of the poet towards the trapped rabbit. इस स्टेंजा में उस जाल में फंसे हुए रैबिट के प्रति उन कवि अपनी संवेदनशीलता को शो करते हैं. विद सिंपैथेटिक एटीट्यूड, सहानुभूति भरे दृष्टिकोण के साथ. डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. अब नेक्स्ट स्टेंजा को पढ़ते हैं. द लाइन इज रिपीटेड. The last line of the first stanza is repeated as the first line of the second stanza. But I cannot tell from where. फिर वो इस बात को रिपीट करते हैं कि I am trying my best, but I am unable to find out the location where the rabbit is crying. कि मैं खूब कोशिश कर रहा हूँ उस स्थान को ढूंढने की, लेकिन मुझे वो जगह नहीं मिल रही है जहाँ पर वो रैबिट एक पेन के कारण, एक पीड़ा के कारण चिल्ला रहा है. ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड. एड मीन्स हेल्प. द रैबिट इज क्राइंग अगेन एंड अगेन बिकॉज ही नीड्स सम हेल्प. वो कुछ, उसे कुछ सहायता की जरूरत है.
इसलिए वो बार बार चिल्ला रहा है, वो सहायता के लिए चिल्ला रहा है. क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, समझो इसको. क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, द रैबिट इज क्राइंग अगेन एंड अगेन. वो बार बार रैबिट चिल्ला रहा है. द क्राइंग साउंड हैज चेंज द होल एनवायरमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया. उसकी क्राइंग साउंड ने पूरे फॉरेस्ट एरिया के एनवायरमेंट को अफेक्टेड कर दिया है. द कंप्लीट एरिया ऑफ द फॉरेस्ट हैज बिकम फियरफुल. पूरा क्षेत्र डरावना बन गया है. मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड एंड दिस चेंज्ड एटमोसफेयर ऑफ द फॉरेस्ट. जंगल के इस बदले हुए इन्वायरमेंट ने हैज़ मेड ऑल लिविंग क्रिएचर फियरफुल. इसने जंगल के सारे इनहेबिटेंट को डरावना बना दिया है. द पोइट वॉन्ट्स टू सेंड ए मैसेज. कवि इन दो लाइन से एक संदेश भेजना चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ किस प्रकार से एक पूरे जंगल के जानवरों को प्रभावित कर सकती है. हाउ कैन द लिटिल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग अफेक्ट द होल एनवायरमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एरिया एंड ऑल द वाइल्ड एनिमल्स हु आर द इनहेबिटेंट ऑफ द फॉरेस्ट. जो जंगल के मूल निवासी हैं उन सारे जंगली जानवरों को इंसान की छोटी छोटी क्रियाएं किस प्रकार से प्रभावित कर सकती हैं. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा. मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड. यहां पर फिर पोइट रिपीट करते हैं इस लाइन को. मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड. वो रियलाइज करा रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग हैड मेड ऑल द लिविंग क्रिएचर ऑफ द फॉरेस्ट फियरफुल. कि इंसान ने जंगल के सभी जानवरों को भयभीत कर दिया है. रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस ही डेपिक्ट्स द पिक्चर ऑफ द रैबिट. वो रैबिट की इमेजिनेशन करते हैं और उसकी एक पिक्चर को क्रिएट करते हैं पोएम में कि रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस. द लिटिल फेस ऑफ द रैबिट. रिंकलिंग अप, ट्विस्टेड अप, इट गया होगा, मुड़ गया होगा. बिकॉज ऑफ द क्राइंग ऑफ पेन अगेन एंड अगेन. बार बार पीड़ा के कारण चिल्लाने से रैबिट का लिटिल फेस, छोटा सा चेहरा, इट गया होगा, मुड़ गया होगा. इट इज सेंसिटिविटी ऑफ द पोएट टूवर्ड द रैबिट. ये उस रैबिट के प्रति कवि की संवेदनशीलता है. ही एक्सप्रेसेज हिज काइंडनेस एंड सिंपैथी फॉर द एनिमल. वो उस जानवर के प्रति अपनी सहानुभूति को और अपनी दया को दर्शाते हैं. एज ही क्राइज अगेन फॉर एड. इज क्राइंग अगेन एंड अगेन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टेक सम हेल्प. वो बार बार किसी की सहायता के लिए चिल्ला रहा है. द पोएट वॉन्ट्स टू हेल्प हिम. कभी उसकी सहायता भी करना चाहता है. एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस. द पोइट इज मूविंग इन द फॉरेस्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कभी एक जगह से दूसरी जगह पूरे जंगल में घूम रहा है टू फाइंड आउट द प्लेस. उस स्थान को ढूंढने के लिए वेयर द रैबिट इज क्राइंग अगेन एंड अगेन. जहां पर रैबिट बार बार चिल्ला रहा है फॉर हेल्प, सहायता के लिए. लेकिन द पोइट कैन नॉट फाइंड द प्लेस. कवि को वो स्थान नहीं मिलता है. एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस. फिर पोइट उस लाइन को रिपीट करते हैं. वो शो कर रहे हैं कि वो बहुत ही सेंसिटिव हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं. वेयर इज पा इज इन द स्नेयर. ही वॉन्ट्स टू फाइंड द प्लेस. वेयर द पा पंजा. वेयर द पा ऑफ द
रैबिट इज कॉट इन द स्नेयर इन द नेट, कि जहां पर उस छोटे से जानवर रैबिट का पंजा एक जाल में फंसा हुआ है। इंपॉर्टेंट लाइन है, लिटिल वन ओ लिटिल वन द पोएट कॉल्स द रैबिट एज लिटिल वन ओ लिटिल वन। लिटिल वन इज यूज्ड फॉर लिटिल चाइल्ड। द पोएट फील्स सिंपैथी एंड काइंडनेस टूवर्ड द रैबिट एज ही फील्स फॉर ए स्मॉल चाइल्ड, फॉर ए लिटिल चाइल्ड। व्हेन द चाइल्ड इज टॉर्चर्ड बाय अ क्रूअल पर्सन, कवि उस रैबिट के प्रति वैसे ही सहानुभूति को दर्शा रहे हैं जैसा कि कोई छोटे बच्चे के प्रति सहानुभूति दर्शाता है जब उस छोटे बच्चे को किसी निर्दयी व्यक्ति के द्वारा सताया जाता है। द पोइट वॉन्ट्स टू सेंड ए मैसेज, कवि यहाँ पर एक संदेश भेजना चाहते हैं टू ह्यूमनिटी, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, कि वी शुड लव द वाइल्ड एनिमल्स एज वी लव चिल्ड्रन, कि हमें जंगली जानवरों से वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसा कि हम छोटे बच्चों से प्रेम करते हैं। भाई जंगली जानवर वाइल्ड एनिमल कैन हर्ट यू, आपको चोट पहुंचा सकते हैं, बिकॉज दे आर अननोन, वो डरे हुए होते हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए। अरे छोटा बच्चा भी तो किसी के भी ईंट उठाकर मार देता है, तो क्या उस बच्चे को पीट देते हैं, क्या उस बच्चे को मार देते हैं, नहीं मारते हैं। तो इन लिटिल क्रिएचर, इन जंगली जानवरों को, इन ब्यूटिफुल एनिमल्स को लोग क्यों मार देते हैं। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, फिर यहाँ पर कभी अपनी इन कैपेबिलिटी को शो करते हैं, अपनी काइंडनेस और सेंसिटिविटी को शो करने के लिए, कि ही सर्चिंग द लोकेशन ऑफ द रैबिट, कि वो उस रैबिट की स्थान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वेयर ही इज क्राइंग फॉर हेल्प, जहाँ पर वो सहायता के लिए चिल्ला रहा है। ही मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाते हैं, घूमते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन ही कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन उन्हें वो जगह नहीं मिलती है। कंप्लीट पोएम में पोइट क्या कहना चाहते हैं, पोइट एक मैसेज सेंड करना चाहते हैं कि वी शुड लव एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, कि हमें जंगली जानवरों से स्नेह करना चाहिए और उनको संरक्षण देना चाहिए। अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, इसको ढंग से पढ़ना, एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा देखना।